बिहार में खेल को लेकर लोगों की सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है। पटना के पाटलिपुत्रा स्थित लॉन टेनिस कोर्ट में बड़ी संख्या में बच्चे लॉन टेनिस की बारीकियां सीख रहे हैं। यहां 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। कोच का कहना है कि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सरकार पटना के अलावा दूसरे शहरों में इस तरह की व्यवस्था करे तो राज्य से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। जैसे राफेल नडाल है, फेडरर है, तो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती। साथ में फिटनेस का भी, काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग गेम है, तो फिटनेस के साथ साथ हमारा एक अपना गोल भी होता है, उसे अचीव करने में टेनिस काफ़ी तरह से मुझे मदद करता है, इसलिए टेनिस एक तरह से ज़िंदगी का हिस्सा है। टेनिस खेलने इसमें फिटनेस बहुत अच्छा लगता है हमको। जहाँ तक फेडरर लोग खेलते हैं वहाँ तक जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल अचीव करना लगता है, अपना एक गोल होता है अचीव करना चाहते हैं। अभी आप खुद को कितने साल से खेल रहे हैं और खुद को अभी कहाँ देखते हैं? हम तो अभी 9 साल से खेल रहे हैं, अभी हम नेशनल लेवल खेल चुके हैं। देखिए, यहाँ हम लास्ट 16 सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, और यहाँ पे बिगिनर से लेके टूर्नामेंट लेवल, कुछ बच्चों ने इंटरनेशनल भी खेला और अच्छा भी किया, तो उस लेवल तक की यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। ये क्या यहाँ फी स्ट्रक्चर रखता है? देखिए, फी नहीं है, डोनेशन बेसिस पे चलता है और मेंटेनेंस बस हो जाता है, बाकी तो बिहार लॉन टेनिस एसोसिएशन की तरफ से बाकी सब्सिडाइज किया हुआ है, तो बस एज अ डोनेशन जो बच्चे देते हैं और वही हम लोग लेते हैं।